Assalamu alaikum students i hope you are all fine welcome to the fulgent public school online lecture student today our lesson is chapter number 7 bioenergetics in our uh, all previous lecture we have learned about what is bioenergetics what are the energy sources and for which purpose we use these all type of energy we also discussed about the plant energy program that is the photosynthesis and about the human energy program that is the respiration so there is the energy budget of respiration overall the budget of respiration सो स्टूडेंट एक्चुअली इट इज़ द ओवर कैलकुलेशन ऑफ द एरो एनरोबिक रिस्पायरेशन सो इच द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन ईच एन ई डी एच प्रोड्यूस थ्री ए टी पी इन अलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चीन प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एन ई डी एच जो मोलिक्यूल बन रहा है वो तीन ए टी पी इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा द एन ई डी एच जनरेटेड इन ग्लाइकॉलोस इज गिवस टू ए टी पी इज स्पेंड टू ट्रांसपोर्ट इट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेबरीन ठीक है जो एन ए के प्रोसेस में हमारे पास बन रहा था जब ब्रेक डाउन और ग्लूकोज हो रहा था एरोबिक में तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही यूज़ हो रहा था ईच एफ ए डी एच, एच प्रोड्यूस टू ए सो नॉट डिंग एन अरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलीक्यूल ओनली टू ए टी पी मॉलीक्यूल्स आर गेंड एज द नेट प्रॉफिट इट इज़ बिकॉज देर इज़ नो क्रैपसाइकल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज इन एरोबिक रिस्पायरेशन सो स्टूडेंट जब हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहे थे एनारोबिक रिस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास टू ए टी पी ऑफ मोलिक्यूल जो हैं वो एज अ प्रॉफिट मिलते हैं मतलब कि हमारे पास जो बेनिफिट आता है वो दो ए टी पी मोलिक्यूल्स का आता है उसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं मौजूद होती जो कि ऊपर जब हमने बात की थी कि एन ए डी एच से जो हमारे पास टू ए टी पी मिले थे वो सिर्फ़ अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मूवमेंट में ही यूज़ हो गए थे सो तो डिस शोज द ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ द एटीपी एटीपी की ओवरऑल कैलकुलेशन इसमें आपको नज़र आ रही है एक पायरोविक एसिड की कंजर्वेशन है ऐसी टाइल को इनजाइम में क्रैप साइकिल है अब आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या है ब्लाइकोलोसिस में टू एन ए डी एच मोलिक्यूल्स बने हैं ठीक है फिर नीचे जब uh, ऐसी टाइल को इनजाइम है तो फिर भी टू एन ए डी एच मोलिक्यूल्स बने हैं ठीक है आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सब एनर्जी सोर्सेज हैं फिर जब एसिटाइल को इंजाइम क्रैप साइकिल में आया है तो सिक्स एन बने और टू एफ ए डी एच टू मॉलीक्यूल्स बने हैं और इन दोनों प्रोसेसेस में जो ऊपर ग्लाइकॉलोसिस हो रही है प्राइवे पायरोविक एसिड की उसके रिजल्ट पे हमें टू ए टी पीज़ मिल रहे हैं और जब हमारे पास स्क्रैप साइकिल के का रिएक्शन हो रहा है तो उसके रिजल्ट में भी हमें टू ए टी पी मिल रहे हैं सो तो जब हम इनकी ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो आप देख रहे हो कि एक साइड पर आपको एरो से तमाम ए टी पीज़ की कैलकुलेशन बताई गई है जब टू एन ए डी एच मॉलिक्यूल ग्लाइकोलोस में स्टार्टिंग में बने हैं तो हमारे पास फ़ोर ए टी पी मोलिक ुल्स आ रहे हैं ठीक है जब हमारे पास एसिटाइल को इनजाइम बन रहे हैं तो हमारे पास जो है वो सिक्स ए टी पी आ रहे हैं इसी तरह नेक्स्ट क्रैप साइकिल में सिक्स एन डी एच जब सिक्स रिंग एन डी एच मोलिक्यूल बनाए तो हमारे पास एटीन ए टी पीज हैं और लास्ट पे एफ ए डी एच टू फिलेवन मोलिक्यूल्स के बनते ही हमारे पास फ़ोर ए टी पी हैं तो जब हम इनको ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो नेट यील्ड आती है रिस्पायरेशन में मतलब कि ओवरऑल रिस्पायरेशन के, के प्रोसेस में जो हमारे पास नेट बजट बनता है नेट ए आती है वो कितनी बनती है थर्टी सिक्स ए सो स्टूडेंट इट इज़ क्लियर आई होप सो कि इसमें आपको समझ आ गई होगी कि uh, जो है ये एनर्जी बजट है जो कि एनर्जी बजट है मतलब कि पूरे ओवरऑल रिएक्शन में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है सो देयर इज़ अ टेबल डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड इंस्पायरेशन डस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को कंपेयर किया गया है यू नो वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सारे प्रोड्यूसर्स में होता है और इंस्पायरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो करते हैं सो स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस में एनाबोलिज्म का होता है वाइल इंस्पायरेशन में कैटाबोलिज्म का होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को हम चैप्टर नंबर सिक्स में डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड इसी करैक्टर है एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी इन्वेस्ट की जाएगी तो रिएक्शन होगा और रिस्पायरेशन uh, में बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म इंटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटी मतलब के रिस्पायरेशन में जो बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होती है उसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में सेव होती है नेक्स्ट करैक्टर है ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ठीक है जो कि ऑर्गेनिज्म इसमें कैपेबल हैं फोटोसिंथेसिस सिर्फ सम बैक्टीरिया कर सकते हैं ऑल एलगी एंड ऑल प्लांट्स कर सकते हैं और रिस्पायरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ साइड फॉर अकर्नेस कहाँ पर ये होता है फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है, उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि पिगमेंट्स है उसमें यह रिएक्शन होता है और इस में साइटोप्लाजम और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लास्ट वन इज़ द टाइम ऑफ अ करस कब होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑब्वियसली इसका बेसिक प्रोडक्ट ही लाइट है और रिस्पायरेशन जो है ऑल द टाइम रिस्पायरेशन का प्रोसेस जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑल टाइम उनमें होता रहता है सो देयर इज़ एनदर कंपेरिजन बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यू नो वेरी वेल एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो नेट प्रॉफिट एरोबिक में थर्टी सिक्स आते हैं हमारे पास बाय प्रोडक्ट में मतलब नेट uh, प्रॉफिट में और हमारे पास एनारोबिक में टू आते हैं इलेक्ट्रॉन्स फाइनल प्रोडक्ट जो एरोबिक का है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जबकि एनारोबिक का इलेक्ट्रिक एसिड और एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है और साइड फॉलो कर एरोबिक में ग्लाइकोलोसिज इन साइटोप्लाज्म एंड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ट्रिया इन सब में ये होती है मतलब ब्रेकडाउन डाउन ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में भी होती है साइकिल जो आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ट्रिया में जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है एंड एनरॉबिक रिस्पायरेशन जो है वो साइटोप्लाजम में हो रही होती है इंपॉर्टेंस क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गनिज्म मोस्ट ऑफ ऑर्गनिज्म में ये मेजर सोर्स ऑफ एनर् एनर्जी है एज वी नो डैट के हमारे पास जितने भी बेसिक मल्टी सेलर ऑर्गनिजम्स हैं जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गनिज्म वो सब के सब जो हैं वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं या रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह ये सब करते हैं तो इसलिए ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एरोबिक रिस्पायरेशन वाइल एन एरोबिक रिस्पायरेशन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसी में रिएक्शन करते हैं और सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट है मतलब कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है